गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो सेकंड लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाए थे, और ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनएसएल विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बचा हुआ था बताए थे। इसको कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज का हम लोग को जरूरत पड़ता है। दैट सीरीज इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इसके बाद वाले लेक्चर में समझाएं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इसको एक्सप्लेन किए कैसे इसको यूज़ करेंगे, और आज इसके एप्लीकेशन भी आपको हम दिखाएंगे। और एक खास बात, जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं इसका नोट्स जरूर से बनाइए, एकदम फ्रेश नोट्स, अच्छे से नीट एंड क्लीन। इतना आपको अच्छा नोट्स हम दे रहे हैं, इसको ज़रूर से बनाइए, क्योंकि नोट्स में बहुत कुछ छुपा हुआ है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर लास्ट लेक्चर में आपको हम एक क्वेश्चन कराएं, जो नीट में और इस तरह का क्वेश्चन मेंस में CBSE के बोर्ड में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन का वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस पर इस तरह का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आज हम लोग करेंगे वही जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर ये जो छूटा हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इनिशियल यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसी को करेंगे। तो आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसमें हेडिंग दीजिए आप, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते चलिए। टाइम सेव भी करना है, समझना भी है, और फास्ट काम करना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग का बचा हुआ था उसी पर बात करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस का हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आएगा लिखा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनएसीएल यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इसको आपको करना है। बोर्ड में इस पर लिखने पर क्वेश्चन आएगा, और कंपटीशन में इसमें किस तरह का क्वेश्चन आने का चांस होता है वो भी देखेंगे। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए आप। एक बार जरा याद करिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़े थे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट था। सबसे पहला कौन सा था? लिथियम। लिथियम के नीचे कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे सोडियम। उसके नीचे मैग्नीशियम। सही है, मैग्नीशियम के नीचे और कौन था? जिंक। फिर क्रोमियम, और भी है, फिर आयरन, टीन, लेड सब है, लेकिन उन सबको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर बताए थे आप, ले लीजिए हाइड्रोजन H+, इसको बता दें रेफरेंस पॉइंट है ये H+, के बाद Cu2+, Cu2+ के बाद Ag+, फिर Br-, Cl-, OH-, NO3-, SO4, 2-, और लास्ट क्या है? F-। तो इस तरीके से हम बताए थे, और बताए थे कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़िएगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़िएगा तो लॉस का जो ताकत है वो बढ़ेगा, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत बढ़ेगा, ये बताए थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहला काम, आप एक डायग्राम बनाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनेगा? एक कंटेनर ले लीजिए, इस तरीके से एक कंटेनर ले लेते हैं। इसमें आप जो चीज फिल करने बोल रहा है भर दीजिए। इसमें क्या फिल करने बोला आपको? इसमें फिल करने बोला है एक्वस एनएसीएल, मतलब पानी में नमक फिल कर देना है आपको, पानी में नमक। तो पानी भर दिए,
और इसमें नमक रखे हुए एक्वस एनएसए। एक्वस एनएसए का मतलब क्या होगा, वाटर है और साथ में उसमें क्या फील्ड है, नमक फील्ड एनएसए। जैसे ही आप पानी में नमक घोलोगे तो पानी का पार्टिकल जो इस तरीके से टूटता रहता है, H2 ऐसे टूट जाएगा, H प्लस और साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस। और NaCl का पार्टिकल कैसे टूटेगा, NaCl का पार्टिकल इस तरीके से टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरीके से Na प्लस का पार्टिकल टूटेगा। और एक और बात, अगर आपको Na प्लस और Cl माइनस जो पार्टिकल टूट रहा है उन पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आयंस में कैसे टूटते हैं पता होना चाहिए, नहीं कैसे पता करेंगे, वाटर में तो H प्लस मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस, और NaCl में क्या मिलेगा आयंस पता करना है, तो Na प्लस और साथ में नीचे क्या है, Cl माइनस ही मिलेगा। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड फिल कर देना है, इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड किस चीज का लेना है, इलेक्ट्रोड फिल कर दिए, एक इलेक्ट्रोड, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का है, ये भी जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम का है। अब क्या किया जाएगा, अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। अगर इस तरीके से करके आप छोड़ दीजिएगा कुछ नहीं होने वाला है, पानी में नमक मिक्स है, प्लैटिनम डाल दीजिए, प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल, इनर्ट जैसा वो बिहेव करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही आप इसको कनेक्ट करिएगा एक बैटरी से तो बैटरी में मिलेगा एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, पॉजिटिव के कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण इस पे आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आया उसको कहा जाएगा एनोड और जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल आया है उसको कहा जाएगा कैथोड। इस पूरे सेटअप का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें होने वाला जो प्रोसेस है उसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिसिस, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स टाइप, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको दिखा देना है कौन कौन आयन इसमें है। तो पानी में कौन कौन आयन मिला, पानी में पानी का पार्टिकल मिला H प्लस और OH माइनस, और क्या मिला Na प्लस और Cl माइनस। अब जैसे ही इसको आप करंट दिए तो करंट देने से इलेक्ट्रोड पर मेटल पे चार्ज आ गया, तो मेटल क्या करेगा इस नेगेटिव वाले पार्टिकल को खींचने लगेगा और ये नेगेटिव पार्टिकल भी उसी की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। तो अनायन माइग्रेट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। तो ये भी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे पढ़ चुके हैं। तो Cl माइनस और OH माइनस दोनों जाना चाह रहा है एनोड पर और दोनों पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मींस ऑक्सीडेशन। तो Cl भी लॉस करना चाह रहा है, OH भी लॉस करना चाह रहा है, दोनों लॉस नहीं करेगा, एक ही लॉस करेगा। जीतेगा कौन, वही जीतेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लॉस का Cl माइनस के पास ताकत ज्यादा है कि OH के पास ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, सीरीज। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें आप देखिए Cl ऊपर है, OH नीचे है, तो जो एलिमेंट ऊपर होता है उनके पास लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज्यादा है। इसका मतलब है Cl के पास ज्यादा ताकत है, OH के पास कम ताकत है, तो Cl लॉस करेगा, OH को लॉस करने नहीं देगा। तो ये रिएक्शन कहां पर होगा, ये रिएक्शन होगा एनोड पर। तो आप इस तरीके से लिखिए एट एनोड, एनोड पर Cl माइनस जाएगा, एनोड पर Cl माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बन जाएगा Cl2, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्योंकि Cl के फॉर्म में स्टेबल नहीं है, Cl2 के फॉर्म में स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लॉस में क्या ऐसा बन जाएगा। आप रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ कितना क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो को बना दीजिए एक, कैसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बैलेंस। ये जो रिएक्शन हुआ इसमें लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे Cl यहां आया ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया,
ये इलेक्ट्रॉन घूम करके यहां से इधर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, उस इलेक्ट्रॉन को लेने चल जाएगा पॉजिटिव पार्टिकल। क्यों? पॉजिटिव पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये दोनों जाना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो दोनों नेगेटिव की तरफ जाएगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने जा रहा है। तो एच प्लस लेने जा रहा है, एन ए प्लस लेने जा रहा है। कौन जा पाएगा, कौन ले पाएगा इलेक्ट्रॉन? वही ले पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का ताकत ज्यादा है, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लेने का, एक्सेप्ट करने का ताकत किसके पास ज्यादा है? जो नीचे है। तो कंपेरिजन किसमें किसमें है? एन ए प्लस में है और एच प्लस में है। कौन नीचे है? एच प्लस। तो एच प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एन ए प्लस को गेन करने नहीं देगा। तो यहां पर कैथोड पर रिएक्शन होने जा रहा है, और कैथोड पर कौन सा एलिमेंट होगा? तो कैथोड पर H प्लस जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन लॉस Cl के द्वारा किया गया है, उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेकर क्या बन जाएगा? H2। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो एक हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे में हाफ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन इधर भी, एक हाइड्रोजन इधर भी, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अब दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो नेट रिएक्शन मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो LHS का एडिशन LHS से और RHS का एडिशन RHS से, तो जो फाइनल रिएक्शन हम लोग को मिलने वाला है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। फाइनल रिएक्शन हम लोग कुछ इस तरह का मिलेगा। दोनों को ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन टर्न कैंसिल हो जाएगा, LHS का इलेक्ट्रॉन RHS का कैंसिल। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा H प्लस, और क्या मिलेगा? Cl माइनस। इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा हम लोगों को, इधर मिलेगा हाफ एच टू और हाफ सीएल टू। अब एक और बात, ये जो यहां पर हम लोगों को हाफ एच टू और हाफ सीएल टू मिल रहा है, ये तो प्रोडक्ट है, लेकिन रिएक्टेंट में क्या आ रहा है? एच प्लस और सीएल माइनस। बहुत ध्यान समझिए यहां पे एक चीज, एच प्लस किसका पार्टिकल है? वाटर का। सीएल माइनस का पार्टिकल है नमक का। इसका मतलब है कि नमक के से दो पार्टिकल मिला था, पानी से भी दो पार्टिकल मिला था, दोनों से दो दो पार्टिकल मिला था, लेकिन उसका एक एक पार्टिकल रिएक्ट कर गया, एक एक पार्टिकल बचा हुआ है। कहां बचा हुआ है? इस कंटेनर में ही बचा हुआ है। तो खत्म कौन कौन हो जाएगा? देखिए एच प्लस पानी से खत्म हो जाएगा, और कौन खत्म होगा? सीएल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीएल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? सीएल टू में। इस पानी में बचेगा क्या? बचेगा एन ए प्लस और ओ एच माइनस। इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद एक नया चीज आपको मिलेगा, एन ए प्लस ओ एच माइनस, दैट इज एन ओ एच। रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको एक और मिल रहा है, लेकिन अभी यहां पर नहीं दिख पा रहा है वो चीज जो एन ए ओ एच मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने से ऐड करना है फाइनली एन ए प्लस को और किसको? ओ एच माइनस को। तो प्रोडक्ट एक और मिल रहा था, ऐड कर दिए, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की तरफ ऐड किए, रिएक्शन अनबैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में दो चीज है ही नहीं, तो जैसे ही प्रोडक्ट के साथ ऐड किए वैसे ही रिएक्टेंट के तरफ भी तुरंत ऐड कर दीजिए, ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ओ एच माइनस और क्या? एन ए प्लस। अब फाइनल रिएक्शन लिखा जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन अब कैसे लिखेंगे? अब मेन हम वाइट वाइट से लिख रहे हैं, ये स्पेशल ऑपरेशन था, इसको अलग कलर से लिखा है। इन चारों को इस तरीके से ऐड करिए कि अपना रिएक्टेंट बन जाए। रिएक्टेंट मतलब शुरू में लिए थे, क्या लिए थे? पानी और नमक। इसको कैसे ऐड करिएगा? कैसे ऐड करिएगा? H प्लस Cl माइनस बन जाएगा HCl, और Na प्लस OH माइनस बन जाएगा NaOH। कैसे ऐड करिएगा? ऐसे ऐड करेंगे तो गलत जाएगा, क्योंकि ये लिए ही नहीं थे हम लोग, एसिड और बेस थोड़ी लिए थे, हम लोग लिए थे पानी और नमक। तो ऐसे ऐड करिए, H और OH क्या बन जाएगा? H2O। Na प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा? NaCl। और Na प्लस OH माइनस, ये खत्म हो गया पानी में, ये खत्म हो गया पानी में, तो पानी में सिर्फ बच क्या रहा है? कंटेनर में क्या बच रहा है? NaOH। तो कंटेनर में बचा NaOH, और साथ में क्या मिलेगा? और साथ में मिलेगा आपको हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। दिस इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब इसमें एक चीज समझिए, ध्यान दीजिए आप, इस कंटेनर में फाइनली बच क्या रहा है? NaOH बच रहा है,
एनएओएच बचने का मतलब क्या है, पानी में बेस बनते जा रहा है, बेस बढ़ते जा रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा? 7 से ज्यादा होगा डेफिनेटली। शुरू में लिए थे पानी और नमक तो पीएच 7 था, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइज करवाए तो इसी कंटेनर में इसी वाटर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 से एक्सीड कर जाएगा, 7 से बढ़ जाएगा। और जितने ज्यादा देर तक ये रिएक्शन होगा उतना ज्यादा पीएच का चांस है कि वैल्यू बढ़ते चल जाए। और एक और चीज आप इस रिएक्शन में देखिए, कुछ एग्जाम में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर एनोड प्रोडक्ट कौन है, एनोड प्रोडक्ट, तो आपको यहां समझना पड़ेगा एनोड प्रोडक्ट कौन है, पहचानने आना चाहिए। एनोड पर होने वाला रिएक्शन देखिए, ये हुआ अपना रिएक्टेंट और ये हुआ अपना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, Cl2। अगर पूछे कितना मोल्स, तो हाफ मोल्स। और अगर यहां पर हम आपसे पूछें कैथोड प्रोडक्ट कौन है, कैथोड प्रोडक्ट, तो कैथोड प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलिएगा, कैथोड प्रोडक्ट के बारे में बोला जाएगा कैथोड के रिएक्शन देख करके। तो कैथोड का रिएक्शन देखिए, कैथोड के रिएक्शन में आपको एक तरफ मिलेगा रिएक्टेंट और एक तरफ क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो कैथोड का रिएक्शन ये है, उसमें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट मिला, H2। कितना मिला, हाफ मोल्स। तो क्या मिला वो, उससे मतलब हम लोग को, तो मिला क्या, मिला हम लोगों को H2। तो इस तरीके से हम लोग एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पहचानने आपको आना चाहिए। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस था एक्वस NaCl का यूजिंग प्लैटिनम नेटवर्क। अभी ऐसा सा बहुत सारा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम लोग, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हम लोग का एग्जाम का, हर तरह का क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। इसको पहले आप नोट करिए, फ्रेश नोट बनाइए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसा ऐसा 10 इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा हम लोग, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? चलिए नोट करिए, थैंक यू।